काफ़ी दोस्तों का डाउट है कि सर अभी भी जो है हमें कंटेंट नॉट वेरीफाइड जो है वो हमारे स्टेटस पे शो हो रहा है, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों विद प्रूफ हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों अगर हमारा काम सद्दा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर बात करें हम कंटेंट नॉट वेरीफाइड की, तो इसके लिए जो है आप दोस्तों जैसे ही अपने आपका जो है यहाँ पे SSC का आप अपने डैशबोर्ड में जाके जो है वो सिंपली दोस्तों आप किसी भी अपने आपने जो भी फॉर्म फिल किया है उसका आप अप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आसानी से दोस्तों चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस की जो ड्राइवर की वैकेंसी थी उसके लिए भी आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद बात करें दोस्तों अगर आप जो है आपने AWTPO यानी दोस्तों यहाँ से जो है दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल में AWTPO के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें भी जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो है इससे पहले जो है यहाँ पे SCM का फॉर्म जो फिल किया गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी है अब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो यहाँ पे दोस्तों सिंपली जी है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो क्या है दोस्तों कि अब आप जैसे ही है जो अपना एप्लीकेशन स्टेटस जो है यहाँ पे चेक करते हैं तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से आपको जो है यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड, और पेमेंट स्टेटस जो है वो आपका कंप्लीट है दोस्तों। तो कंटेंट नॉट वेरीफाइड का जो है क्या यहाँ पे दोस्तों है और कब तक आपको जो है वो यहाँ पे ये शो होने वाला है? तो यहाँ पे दोस्तों कंटेंट नॉट वेरीफाइड से आपको कोई भी इशू नहीं है, और यहाँ पे जो है वो दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे दोस्तों आपकी तरफ से जो है वो कम्प्लीटली जो है वो सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे जो कंटेंट नॉट वेरीफाइड है इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक जो है कमीशन ने यहाँ पे जो है वो पुष्टि नहीं की है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट की, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों SSC जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कोई भी अपलोड है वो यहाँ पे नहीं होता दोस्तों। तो इसीलिए से आपने जो भी फॉर्म में डिटेल्स दी हैं दोस्तों वो उनका यही यहाँ पे कहना है कि आपकी जो है वो सामग्री यहाँ पे जांची नहीं गई है। तो यानी कि दोस्तों ये जो है आपका इसमें कोई इशू नहीं है, सिंपली आपका जो पहले यहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड जो होता था उसी को यहाँ पे अपग्रेड जो है वो कंटेंट नॉट वेरीफाइड में कर दिया गया दोस्तों। का फॉर्म जो है आपकी तरफ से बिल्कुल ओके है दोस्तों। तीनों ही एप्लीकेशन फॉर्म में से आपका ड्राइवर का हो या दोस्तों आपका जो है दिल्ली पुलिस AWTPO का फॉर्म हो उसमें आपको सेम ही जो है वो यहाँ पे कंटेंट नॉट वेरीफाइड जो है वो यहाँ पे स्टेटस में दिखाई देगा। तो काफ़ी दोस्तों का डाउट है कि सर अगर हमारा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है किसी मिस्टेक के कारण अगर रिजेक्ट होता भी है तो कैसे जो है हमें पता चलेगा? तो दोस्तों चाहे आपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए अप्लाई किया हो या दोस्तों आपने दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल AWTPO का फॉर्म फिल किया हो या दोस्तों आपने SCM जो है वो दोस्तों दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किया हो, तो दोस्तों तीनों ही एप्लीकेशन फॉर्म में जो है अगर किसी दोस्त का बाई चांस किसी मिस्टेक के कारण एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे दोस्तों कमीशन के द्वारा रिजेक्ट होता है तो आपको जो है वो दोस्तों आपका ये जो है एप्लीकेशन का स्टेटस वो दोस्तों जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पे जारी किया जाएगा दोस्तों उस वक्त जो है आपको पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दोस्तों फाइनली कमीशन के द्वारा जो है वो एक्सेप्ट किया गया है या दोस्तों रिजेक्ट किया गया है। तो अभी जो है वो दोस्तों इसमें आपको कंटेंट नॉट वेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपका फॉर्म जो है आपकी तरफ से बिल्कुल ओके है। और अगर बात करें दोस्तों कौन सी मिस्टेक में जो है कमीशन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैंडिडेट का रिजेक्ट करता है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा दोस्तों मैक्सिमम केसेज में जो है अगर आपने दोस्तों फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर में कोई भी मिस्टेक अगर की है तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी दोस्तों का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कमीशन के द्वारा रिजेक्ट किया गया है दोस्तों। आई होप आपने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं की हो। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। इस वीडियो में था इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।